दिया जाएगा या बड़ी खुशियां शुरू हो जाएंगी, फिर छोटे पहलवानों का कोई भी नाम हम एंटर नहीं करेंगे। इसलिए की बावा लोग, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपका भाई भी एक नंबर मस्त है। तो दिन के 12 बज चुके हैं, तो यह है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, तो आप जाके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखें कि कैसा बना हुआ है सुरन मेले का वीडियो। और मेरा एक दोस्त आ रहा है कंडाघाट से, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ उनके पास। तो अभी निकल जा रहा हूँ मैं यहाँ घर से। तो रात को भी बारिश हुई हुई है, तो मैं दिखाता आपको व्यू कैसा हुआ, मौसम देखो कैसा हुआ अभी इस टाइम। मौसम देखो, उस पार जाना जहाँ बादल दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे मेला है। तो मैं इस टाइम जा रहा हूँ, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम मेले में। तो यह है अपने सुरेश भाई और ये अपने भाई लोग आए हुए हैं कंडाघाट से। तो जा रहे हैं हम आगे की तरफ, जो टोली की तरफ इंजॉय करने। तो बताना आप क्वालिटी कैसी आ रही है इसकी। तो चलते हैं आगे की तरफ और जा रहे हैं हम इंजॉय करते हैं। तो अपने भाई लोग हैं, हम चले दोनों साथ। तो चलो आगे, बस लगी बनाल की, तो चलते हैं उसमें। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बस के अंदर, बकनाल बस के अंदर। और देखो कितना रस है हुआ हुआ है यहाँ पे, भंडारा ही भंडारा लगे हुए लोगों को देख सकते हैं आप। तो मैंने भी आपके भाई ने रात में चावल खा लिया था। तो जा रहे हैं हम जटोली मंदिर, तो जटोली मंदिर भी दिखाएंगे आप लोगों को, अपने सुरेश भाई है। तो चलते हैं अब बस, अभी तो खाली है बस, तो पता नहीं कितनी देर बाद भरेगी, पर भरेगा फिर चलेंगे आप। तो देख सकते हैं आप, हम पहुँच गए हैं जटोली मंदिर। देखो जूम करके दिखा रहा मैं आप लोगों को, तो पहाड़ पार, यहाँ मौसम भी ऐसी, इधर भी ख़राब ही हुआ हुआ। तो देख सकते हो ये हमारे दोस्त लोग हैं, तो जा रहे हैं हम यहाँ नीचे के रास्ते की तरफ। तो देख सकते हैं चलते हैं नीचे की तरफ, जो जटोली मंदिर देख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से फिर मेरे को जाना है घर, घर से फिर वापस आना है मेरे को मेले में, फिर दिखाएंगे आपको मेले का। चलो चलते हैं, कब तक के लिए। तो आपका भाई जटोली मंदिर से घर आया, घर से उसके बाद मैं मेले जा रहा हूँ। तो देख सकते हो कितना रस है। तो इस टाइम मैं मेले में जा रहा हूँ, तो देख सकते हो कितना रस हो चुका है इधर। तो चलते हैं मेले की तरफ। दिया जाएगा या बड़ी खुशियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर छोटे पहलवानों का कोई भी नाम हम एंटर नहीं करेंगे। इसलिए बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाहर से जितने भी बच्चे आए हैं, मीडियम जोर के जो बच्चे हैं, वो एकदम से गाड़े के बीच में आ जाए। चलिए शुभांग रोजगार संजू धर्मपुर स्कूली बच्चे। शाम के बज चुके हैं 7 और चल रहा है 100 इधर। देखते हैं हम किस टाइम घर जाते हैं, रात के 10 या 11 बजे। कि भाई हमें साथ ही है, तो चलो आप इंजॉय करो। देखो बहुत रस है यहाँ भी। चलो तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो हो चुका है मेला ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ गाइस। तो बुरी हालत हो चुकी है आपके भाई की, तो आपके भाई को भी मिले थे, आपके भाई भी घर चल चुके हैं, तो मैं भी घर जा रहा हूँ अब। तो हालत ख़राब हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं। तो कल वीडियो आ जाएगी आप लोगों को, ये जो मैं भी बना रहा हूँ, तो कल वीडियो आ जाएगी। तो चलते हैं घर, रेस्ट करते हैं, कल काम पे भी जाना है ड्यूटी में। तो मिलते हैं आपको कभी नए ब्लॉग में।